नेक्स्ट आपके बुक पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1/x होल पावर 6, ठीक है। और इसी को क्या करना है सर जी, एक्सपेंड करना है। चलिए एक्सपेंड करते हैं। अगर पावर 6 है तो कहीं ना कहीं ये कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, बहुत नजदीक हो गया, 6c4, 6c5 और यहां पे होगा 6c6, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो हर जगह सिंबल भी किसका होगा, साइन भी हर जगह किसका होगा, प्लस प्लस का। चलिए लगा दिए। अब ये देखिए कि x प्लस 1/x है तो a पर पावर फॉर्मूला क्या होता है, nc0, a टू द पावर n, b टू द पावर 0, nc1 होगा तो a टू द पावर n-1 * b टू द पावर 1। तो यहां पे देखिए कि ये जो x होगा इस पर पावर कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, लेकिन 1/x पावर कितना होगा, 0। और किसी पर भी पावर अगर 0 होता है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां देखिए x टू द पावर 5 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 1/x, यहां x टू द पावर 4 हो जाएगा, 1/x का यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर, एक्स पावर इसका -3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x होल क्यूब। यहाँ देखिए एक्स पावर माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 होगा ना, हाँ, और 1/x पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो x पे पावर 1 होगा और 1/x पे पावर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5। और यहाँ पे तो 1/x ही केवल रहेगा चूंकि x पावर 0 होगा, नहीं भी फुल कीमत चलेगा, और पावर यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा खाली x टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू जो है वो ओनली 6 होगा। ये देखिए x पे पावर 5 हो गया और अपॉन में कितना हो गया, x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 − 2 = 4 और इंटू में 2 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 − 3 = 2 3 और इंटू में 3। क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स पे पावर 3 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/x पे पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे 6 × 6 − 4 = 2 इंटू में 4 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1x² और 1/x⁴ होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 × 5 हो जाएगा 5 और जब माइनस करेंगे तो 1 होगा, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया ये x इंटू 1/x है तो जब पावर 5 करेंगे तो 1/5 होगा, और वहां देखिए 6c6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए। देखिए इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये तो इतना ही रह गया सर। यहाँ पे देखिए 6 हो गया और एक x से एक x चला गया तो x टू द पावर यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, क्योंकि एक x तो वो लेकर के चला गया। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 4 नीचे है तो यहाँ ये 4 से तो ये 4 तक तो ये लपेट के चला गया, बच गया क्या, केवल 5 और 6, और नीचे है 2 तो 1 × 2, ठीक है, इंटू। अब ये देखिए स्क्वायर से इसको अगर काटेंगे तो ये बचेगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए नीचे है 3 तो 3 तक तो ये खुद ही लपेट के चला गया है ना, तो बच कितना गया, केवल बचा यहाँ पर 4 × 5 × 6 और अपॉन में ए को 3 बचा है तो 1, 2, 3 इंटू में x³ चला गया, 1 बच गया। चलिए हटा देते हैं इसको, यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ से 4 से तो 4 तक तो ये खुद ही लपेट के चला गया, बच गया केवल 5 और 6 और यहाँ बचा 1 × 2 हो गया, इंटू में ये हो गया एक्स स्क्वायर से x के पावर 4 अगर बचाएंगे कटाएंगे तो 1/x² बचेगा, यहाँ पे हाँ ना, प्लस है प्लस डाल देंगे, 6 है तो नीचे है क्या, 5 5 से तो ये 6 को काट करके ले जाएगा, केवल 6 बचेगा, हाँ ना, 5 से 5 तक तो ये खुद लपेट के चला गया, केवल क्या बचा सर, 6 बचा, और वहां पर बचेगा ये x से इस x को मारेंगे तो ये बचेगा x⁴, ठीक है, और प्लस 1/6 ये वाला, इसको मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, x टू द पावर 6 हो गया प्लस 6x⁴ हो गया प्लस ये 2 से देखिए ये 6 कटेगा 3 बार में और 5 3 =
15 होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस ये देखिए 3 2 6 ऐसे 6 चला गया और 5 4 कितना हो गया 20 हो गया, ये खाली ये 20 बच गया, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में एंड 5 3 जब 15, तो 15 बाय एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस है प्लस डालें 6 अपॉन एक्स टू द पावर 4 बचा और प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 बचा, ये आंसर हो गया, नोट करिए।